बहुत ही सत्कारयोग किसान भराओ, मैं तुहाडा अपना नवतेज सिंह छजलवड़ी किसान दोस्तों, अज मैं खलोता एक दसंबर 15 दी बीजी हुई कणक उहदे खेत दे बन्ने खलोता है। अज दा विशा की है, कल एक प्लॉट यूनिवर्सिटी की कोई लेटेस्ट वरायटी मैं ना नहीं लैना क्योंकि वो मैं एक वक्री वीडियो बनाऊंगा, उस खेत गया से मैं जैलो रेस्ट उस वरायटी भी नज़र आ गई सी। कल का फिर मैं सर्वेखण से तकरीबन हरेक वरायटी के कितने थोड़ी कितने बाड़ी कितने एका दुका कितने टिब्बिया के भी जैलो रेस्ट आनी शुरू हो गई है। सो किसान भराओ, अपने अपने खेतों के जाके तुसी जैलो रेस्ट वॉच करो। जिन्हां किसान भरावान ने स्प्रे की वेखण च आया है कल तो लैके अज तक, चाहे उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल मॉलीक्यूल टैबूकोनाजोल जां प्रोपीकोनाजोल दोवां चों शुरुआती दौर दे दोवें टैक्निकल है 200 ml दी डोज ते जिन्हां नूं स्प्रे करवाई सी असीं, उन्हां दे खेतां दे विच रेस्ट नहीं विखी। पर जिन्हां किसानां ने हाले तक भी स्प्रे नहीं कीती उन्हां दे खेतां दे विच जैलो रेस्ट आउणी शुरू हो गई है। इह पछेती कणक सी ते मैं अपने वीर नूं कहा भी सी वी बाई जी आपां स्प्रे कर लईए, करदे करदे इहनां कोल डेयरी दा वी काम आ, हफ्ता लेट हो गया, हफ्ता पहला करते हो सकता ही अज जे सिमटम नज़र आए सानू ना आते। ये कैमरामैन साहब थोड़ा नेड़े आके विखा लियो, अगलिया गल्ला थोड़िया फिर बाद करते हैं। ये जैलो रेस्ट पत्ते दे थले तक थलड़े पत्तिया ते वेख सकते हैं, बिल्कुल इत्थे पत्ता लगा सी जमीन ते करीब ही है, पत्ते ते भी है थले जमीन ते करीब ही है। इत्थे असीं उपर भी वेख रहे सी, कुछ पत्तिया ते सानू उपर भी नज़र आ रही सी, हुणे तुहानू असीं सिलैक्शन करके विखाने। आ देखो भी पत्तिया के उपर भी काफ़ी जैलो रेस्ट शुरू हो गई है। एक इस खेत के उपरले पासे जाके एक काफ़ी टिब्बी आ वड्डे टोकरे जिड्डी है, वड्डे टोकरे जिड्डी वो च आ गई, पर वो वट छोटी है तो दोनों साइड कणकां नूं पानी लगा है, उहदा करके असीं उस साइड ते नहीं शूट किया। इत्थे कैमरामैन साहब एक होर नेड़े आ जाओ, आ बूटा थोड़ा जिहा नपदा। आ देखो पत्ते, आ जिहड़े थलड़े छोटे पत्ते आ पुराने पत्ते, इन्हां ते भी भरपूर मात्रा च आपां नूं जैलो रेस्ट नज़र आ रही है। ये वेखो कैमरामैन साहब, आ भी विखा लियो, आ भी विखा लियो थले। ये जिहड़े पत्ते आ रेस्ट दे नाल सारे खराब होकर झड़ जाने आ ते साडे पौधे ने कमज़ोर हो जाणा। सो जिन्हां किसान भरावां ने स्प्रे कीती भी आ उहनां नूं भी बेनती है, आपो अपने खेत जाके वॉच करो, वेखो जिन्हां दे रेस्ट आई है ते मन है जां करदे ओ स्प्रे करन, जिन्हां दा नहीं मन ओह ना वी करन कोई गल नहीं, हो सकदा उहनां दी वी कणक पूरी निकल आवे, गुरु नानक साहब कृपा करन उहनां ते वी। तेला चेपा वीरियो शुरुआत तों लैके अज तक भी माइनर किसे किसे प्लॉट दे विच इक्का दुक्का तेला चेपे नज़र आउंदे आ, नहीं ते नहीं आउंदे। फिर भी जदों आपां खेत च जाणा ही है, मौसम रैगूलर तपस च आ रिहा, गर्म हो रिहा, टैंपरेचर लगभग 33 डिग्री दे लगभग रही जांदा, एक डिग्री उपर जां थले तक। सो तेले चेपे लई वी आपां 70% मीडा डबल्यू जी फार्मूलेशन, क्योंकि बासमती ते झोने ते बासमती ते मना किया सी डिपार्टमेंट ने थायम थॉक्सम 25% वाला, चाहे वह लीकवर्ड है चाहे वह ग्रैनुअल है। कोशिश करिए आप कणक ते भी, क्योंकि यह भी अपने भैन भरावां दे वापस घर आउणी है खानी है। एक जिहड़े अज सवेर का मेजर विशा है भी भराओ, कणक नूं सुंडी आ गई है, ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਫਾਰਮਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ ਅਤੇ ਸਮਟ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਪਰ ਸਮਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਛਿੱਟੇ, ਕਿਤੇ ਖਿੱਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 4-5 ਛਿੱਟੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਟ ਆਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਸਮਟ ਵਾਲੇ ਛਿੱਟੇ ਫੜ ਲਓ, ਉਹ ਪੌਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫੜ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਨੱਪ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਲੂ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਵੇਖੇ, ਮੇਜਰ ਆ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਰੋਈ ਖਲੋਤੀ ਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਆ, ਦਸੰਬਰ ਦੀ 15 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਸੀ ਕਣਕ ਇਹ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ, ਪ੍ਰੋਪੀਕੋਨਾਜੋਲ 200 ml ਦੀ ਡੋਜ਼ 'ਤੇ, ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਡੋਜ਼ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 200 ml, ਬੰਪਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਬੰਪਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਪਰ 200 ml, ਨੈਟੀਵੋ
120 ग्राम WG फार्मूलेशन का प्रोडक्ट है, वधिया मोलीक्यूल है। पर एक मोलीक्यूल पिछले 2-3 साल तो फार्मर की प्रैक्टिस बहुत रेगूलर वध रहा है, अगे वो हैगा जी क्रॉक्सी मिथाइल 40% ते हेक्साकोनाजोल 8% का कॉम्बीनेशन है। किसान भरा उन्होंने भी 125 ग्राम अपने खेत का खेत के जैलोरेस्ट खत्म कर सकते हैं। तेले तो बहुता घाबरन की लोड़ नहीं, तेला बहुत थोड़ी मात्रा च आया, सिर्फ 25 ग्राम अमीडा क्लोप्राइड 70% WG फार्मूलेशन। मैं दोबारे कह रहा WG बड़ी सुपीरियर फार्मूलेशन आ थोड़ी मात्रा दे विच। ते कोशिश करो कि पानी घट सो घट 150 लीटर ताज़ा पानी होवे, बया पानी बचे दे विच 2-4-5 दिन का ना पिया होवे। ताज़ा पानी लैके 125 लीटर बिल्कुल धुंध बना के बरीक फुहारे दे विच आपां स्प्रे करके अपनी जैलोरेस्ट नूं खत्म कर सकते हैं, टीले चेपे नूं खत्म कर सकते हैं। हुण विशा रह गया जी जिहड़ी अज फोटो आईया सूडी दियाँ, वो ज़्यादातर तो होंगे जी पछेतियाँ कणकों के, पर जो ये मौसम रेगूलर हीट चाहता है तो गेतियाँ कणकों भी सूडी जी आनी शुरू हो जाती है। सो इनू आर्मी वॉल्व कहें, शायद सैनिक सूडी भी आप कह सकते, उदाड़ा फोटो भी आप शेयर करा इस वीडियो के। सो किसान भराओ उधर ही सब तो वधिया तो सेफ, क्योंकि वेखो हुण कणक 30-35 दिन के बाद कणक वढ़ी जानी आ, अपने भड़ोलियाँ पै जानी आ, अपने रिश्तेदारां दे भड़ोलियाँ पै जानी आ, चक्कियां आले लै लैनी आ गुत्थियां राहीं बन के, फिर अपने घरां च अपने रिश्तेदारां दे घरां च आउणी आ। सो मैं रिकमेंड करूँगा कोई भी ऐसी माड़ी जहर तुसीं ना पायो जिहड़ी इस टाइम ते कणक दे विच रह जाए। तुसीं पाओ फ्लू बेडिया माइंड, हो सकदा मेरी प्रोनसीनेशन च कोई फर्क आ जाए, फ्लू बेडिया माइंड टैक्निकल है, शायद इहदी डोज 20% WG है। ये टाटा कंपनी कोल भी आउंदा है, ये घरड़ा कंपनी कोल भी आउंदा है, ये UPL को भी आउंदा है, ये चंबल फर्टिलाइजर को भी आउंदा है, होर भी मार्केट दे विच 5-7-10 कंपनियां को आउंदा है। तकरीबन मेरे जिन्ने भी दुकानदार भरा वा उन्हां दे कोल ये दवाई पई है। WG फार्मूलेशन 100 ग्राम की शीशी तुसीं लियाउणी आ ते 1.5 गिले च पाउणी आ, क्योंकि इहदा कोई भी बैड इफेक्ट नहीं हैगा। हरे ट्रैंगरूर वाली ये शीशी है जी, हरे रंग वाली दवाई हो कोई नुकसान करने वाली नहीं होती, बड़ा सेफ गिणिया जाता। तो इस स्टेज पर आप रुपये 100 वाल ना वेखिए भी साढ़ा 100 रुपया वध लगना, सिर्फ 100 रुपये का फर्क पैना वा। नीले तो खटे रंग वाली दवाई ट्रैंगलो लाणो, हरे वाला पाइए, क्योंकि ये अपने बच्चा भी खानी है, अपने रिश्तेदार के बच्चा भी खानी है। आप कोई माड़ी जहर ना पाइए जी कणक के सेटे से कणक के दाने इफेक्ट करे। सो एक बेनती है किसान भराओ, मेरे कहण ते स्प्रे ना करियो भी ढोली चक लियो दवाइया लायो मिनटों मिनट शुरू हो जाओ भी वीडियो आ गई है, पर पहला तुसीं अपने खेत वॉच करो। जे तुहानूं लगता है भी तुहाडे खेत दे विच जैलोरेस्ट हैगी है, कोई हल्का फुलका तेला हैगा, किते तुहानूं सूंडी दे अंश वेखदे आ, क्योंकि सूंडी नूं वेखण दा वी इक तरीका है। असीं 1:30-2 बजे दे खेत च निकले जदों सानूं फोटो आईआं, पर सानूं इस वेले किते सूंडी लभी नहीं। फोटोआं तुहाडे नाल फार्मर दीआं शेयर करांगे, फार्मर दा नाम फार्मर दा नंबर भी शेयर करांगे। सूंडी तुसीं लभनी है तो तुहानूं अर्ली मॉर्निंग जाना पऊगा अपने खेत दे विच, पहले टाइम लगभग 6:30-6:30 बजे 6:30-7 बजे चानण हुंदा, 6:15 तों ला लो 6:45 दे विच विच अपने एरिया दे विच पंजाब सारे दे विच चानण हो जांदा। अर्ली मॉर्निंग जाओ 7 वजे दे पक्ष च ते अपने खेतां च जाके वॉच करो भी रैसट हैगी है, तेला चेपा हैगा है, सूंडी हैगी है। जे ये चीज़ां तुहानूं नज़र आउंदियां ते दित्तियां होईयां रिकमेंडेशन अनुसार प्रोपीकोनाजोल नैटिवो टाटा एन क्रॉक्सी का हैगजादा जिहड़ा कॉम्बीनेशन आ, इन्हां दवाइयां नूं टैबूकोनाजोल भी आपां ग्रैनुअल जां एसी फार्मूलेशन दे विच पा के अपनी रैसट नूं खत्म कर सकते हैं। 20-25 ग्राम अमीडा 70% पा के तेले चेपे नूं खत्म कर सकते हैं। फ्लू बेडिया माइंड 20% WG सिर्फ 70 ग्राम एकड़ का पा के, लीकड भी आउंदा है शायद बायर का फेम के नाते आउंदा है, लीकड भी पा के, होर भी कंपनियों को चंबल को भी आउंदा है, शायद होर भी 2-4 कंपनियों को आता, वह पा के आपां सेफ तरीके दे नाल सूंडी मार के तेले चेपे खत्म करके ते रैसट खत्म करके अपने खेतों नूं आउण वालियां बीमारियों तो बचा के चंगा झाड़ लै सकते हैं। एदे नाल जदों आपां ढोली लै के खेत च वड़ना ही है, 200 ml किसी चंगी कंपनी का अमीनो एसड बेस प्रोडक्ट जां सीवीड बेस प्रोडक्ट, ये बड़े
ਭਰਪੂਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋਣ 'ਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਕਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਲਾਂਟ ਸਿੱਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਿਲਕਿੰਗ ਬਣਨੀ, ਦੁੱਧ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਦਾਣੇ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋਣਾ, ਖੇਚ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 200 ml ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਘੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲਾ ਚੇਪਾ, ਰੈਸਟ ਅਤੇ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਲ ਖੇਤੀ ਛੱਜਲ ਵੱਡੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟਿਪਸ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਮਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾ ਉੱਠ, ਨਾਮ ਜਪ, ਕਿਰਤ ਕਰ, ਵੰਡ ਛਕ। ਵੰਡ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਛਕਣਾ ਹੈ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦਸਵੰਧ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 10,000, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ 10 ਲੱਖ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਣਾ ਵਾ, ਖਰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।